हेलो दोस्तों, की हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ब्रीड लेके आया हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी बुल्ली के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तानी बुल्ली जो है वो सबसे लार्जेस्ट ब्रीड में से एक है, तो आज उसी के पपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पाकिस्तानी मस्टिफ जो डॉग होते हैं काफ़ी हैवी बोन और काफ़ी मस्कुलर होते हैं, और इन डॉग्स की बैक लंबी और इनकी टेल जो होती है वो नीचे से पतली होती है। और पाकिस्तानी मस्टिफ का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 टू 12 ईयर होता है, और इनका जो लीटर साइज होता है वो 6 टू 11 पप्स का होता है, और ये एक लार्ज ब्रीड होती है, तो इसलिए इन्हें स्पेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा कर पाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ये जो डॉग्स होते हैं काफ़ी अग्रेसिव, इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव होते हैं, और इनकी तेज आई साइट और सेंस ऑफ स्मेल की वजह से आप लोग इन्हें अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए भी रख सकते हो। और पाकिस्तानी मस्टिफ का जो वेट होता है वो 70 to 90 केजी तक होता है। अगर आप लोग इन मस्टिफ डॉग को परचेज कर रहे हैं तो आप लोग इन्हें बचपन से अच्छे से सोशलाइज जरूर करें, ताकि आगे चल के ये एक अच्छे कंपेनियन डॉग बन सके और आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इन डॉग्स को फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल और अग्रेसिव होते हैं। ये ब्रीड काफ़ी एक्टिव होती है, तो आप लोगों को सुबह शाम इन्हें जॉगिंग और एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी मदर और इनके फादर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इनके फादर हैं। आगे मैं आप लोगों को इनकी मदर की पिक भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इनके फादर की क्वालिटी कैसी लगी, आप लोग मुझे एक बार नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अभी जो आप लोग देख सकते हैं ये इनके मदर और इनके फादर दोनों की मीटिंग की पिक है, तो क्वालिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है। आई होप आपको भी इन दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो पाकिस्तानी मस्टिफ जो होती है ये एक जाइंट ब्रीड होती है, और ये डॉग्स काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं। इनकी हाइट और हेल्थ देखकर आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये डॉग काफ़ी फीड कंज्यूम करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। तो मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एज के बारे में। इन पपीज की जो एज है वो 23 डेज ओल्ड है, और इनकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा में हिसार से। तो अगर आप लोग हिसार या हिसार के आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोग इन्हें अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग इन्हें डिलीवर भी करवा सकते हैं। पर डिलीवरी का जो चार्ज होता है वो पपीज के प्राइस से अलग होता है, तो उसके लिए आप लोगों को ओनर से ही पता करना पड़ेगा। ओनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ जाकर ओनर को कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 20,000 रुपये, और जो फीमेल है उसकी की है 15,000 रुपये। तो क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा मुझे एक बार ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग या कोई और एनिमल है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।